अहम् इदानीं निवेदनं करोमि प्रोफेसर् महावीर अग्रवाल् महोदयः अतिथि भाषणम् अद्य अस्मिन् प्रौद्योगिकी संस्थाने समायोजिते संस्कृतशिबिरे समापनवेलायां समुपस्थिताः मान्यः प्रोफेसर् सिंहमहाभागः मान्यः प्रोफेसर् राङ्गनेकरमहोदयः सभायां समुपस्थिताः वरिष्ठाः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः विद्वांसः अन्ये सर्वेपि अत्र अध्ययनरताः शोधरताः उच्चशिक्षां प्राप्तुमत्र समायाता राष्ट्रस्य विविधेभ्यः स्थानेभ्यः ते सर्वेपि तथा च अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः प्रियः अनिलमहोदयः उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयतः अत्र भवतः पाठयितुं शिक्षयितुं प्रेरयितुम् अत्र समुपस्थितः डाक्टर् प्रकाशपन्तमहोदयः अहमद्य अत्र समागत्य भवतां सर्वेषां भवतीनां सर्वासामपि संस्मरणानि सर्वेषामपि भावः श्रावं श्रावं श्रुत्वा महान्तं हर्षम् अनुभवामि यतोहि अस्माकं पूर्वजः कथितवन्तः महाजनो येन गतः स पन्था महाजनाः महाजनाः अस्य अभिप्रायः ये खलु श्रेष्ठाः सन्ति ये प्रतिष्ठितेषु स्थानेषु पठन्ति कार्यं कुर्वन्ति ये मेधाविनः अहं मन्ये अस्मिन् प्रतिष्ठाने ते एव छात्राः समायान्ति तेषामेव प्रवेशः अत्र भवति ये खलु मेधाविनः भवन्ति ये अध्ययनशीलाः भवन्ति ते अत्र प्रतिष्ठाने शोधकर्मणि स्नातकोत्तरकक्षासु अथवा स्नातककक्षासु प्रवेशं लभन्ते ते सर्वेपि यदि कस्मिंश्चित् सुमार्गे गन्तुम् इच्छन्ति अथवा तेषां मनसि एवं विधा इच्छा कापि जागर्ति यद् वयं संस्कृतं पठित्वा भारतीयां संस्कृतिं भारतीयं सुविशालं वाङ्मयं भारतीया खलु या परम्परा ये खलु भारतीयः जीवन आदर्शः तैः सह वयं परिचिताः भवेम तान् अधीत्य किमपि अभिनवं विस्मयकरम् आनन्दप्रदं शान्तिप्रदं सुखप्रदं किमपि कार्यं कर्तुम् इच्छामः ईदृशी इच्छा यदि भवतां भवतीनां स हृदयेषु जागर्ति तर्हि अहं मन्ये न केवलं भवतां भवतीनां वा सौभाग्यम् अपि तु अस्य समाजस्य अस्य राज्यस्य अस्य भारतवर्षस्यापि तत् सौभाग्यं वर्तते यद् भवादृशेषु छात्रेषु अयं भावः समुत्पन्नः वयं जानीमः वयं शृणुमः यद् अस्माकं देशे अस्माकं महद् ऐश्वर्यं महान् कोशः यदि कोऽपि वर्तते तर्हि सः चत्वारो वेदाः ब्राह्मणग्रन्थानि उपनिषदः आरण्यकानि रामायणं महाभारतं गीता चाणक्यप्रणीतं कौटिल्यशास्त्रं मनुप्रणीता मनुस्मृतिः शुक्रनीतिः महाकविकालिदासप्रणीतं विशालं साहित्यम् अभिज्ञानशाकुलं शाकुन्तलं श्रुत्वा न केवलं भारतीयाः जनाः आनन्दिताः भवन्ति अपि तु ये खलु संस्कृतं न जानन्ति यैः संस्कृतं न पठितं यैः खलु कालिदासः कदापि न पठिता ते अपि यदा अभिज्ञानशाकुन्तलं शृण्वन्ति तस्याभिनयं पश्यन्ति मेघदूते गीतानि पद्यानि महाकविना कालिदासेन मेघदूतनामके गीतिकाव्ये यानि पद्यानि तत्र लिखितानि सन्ति तानि पद्यानि श्रुत्वा अहं मन्ये यः खलु प्रस्तरहृदयः पत्थर जैसा भी जिसका कठोर दिल है सोपि आनन्दम् अनुभवति वयं जानीमः प्रत्येकस्य जनस्य इच्छा भवति यद् जीवने सुखप्राप्तिर्भवतु सर्वे सुखम् इच्छन्ति सर्वे शान्तिम् इच्छन्ति सर्वे प्रतिष्ठां कामयन्ति सर्वे
పారివారికం సామాజికం సుఖదం జీవనం యాపయితుం ఇచ్చంతి తర్హి అహం మన్నే యది ఇయం అభిలాష అస్మాకం మనస్సు వర్తతే యద్ వయం దుఃఖరహిత సుఖయుక్త ఆనంద పరిపూర్ణ శాంతిమయం సుఖమయం జీవనం యది ప్రాప్నుమః ఈదృశీ ఇచ్ఛా కశ్చన భవతి. యః ఖలు సామాన్యః జనః, యః అశిక్షితః, యః ఖలు కస్మినపి విద్యాలయ న పఠితవాన్, యః కిమపి న జానాతి, తస్య మనస్యపి ఇయం ఇచ్ఛా భవతి యద్ మమ జీవనం సుఖీ జీవనం భవేత్. జనః మాం సమ్మాన దృష్ట్యా ఆదర దృష్ట్యా పశ్యేయుః, తర్హి అహం మన్నే ఏతాదృశం సుఖదం జీవనం ప్రాప్తుం యది శక్యతే తర్హి సంస్కృత భాషా యథా ఏకేన ఛాత్రేణ తాని పద్యాని అత్ర శ్రావితాని, యాని పద్యాని తత్ర కిం లిఖితం అస్తి, తస్య కః భావా అస్తి, ఏతద్ అవిదిత్వాపి, ఏతద్ వయం న జానీమ, ఏతేషు పద్యేషు కిం లిఖితం అస్తి, పరం తస్య పద్యస్య యద్ మాధుర్యం, తస్మిన్ పద్యే యద్ లాలిత్యం, తత్ర యా ఆధ్యాత్మికత, తత్ర యా ప్రభుభక్తి, తత్ర యే పవిత్రః భావః, తే భావః తద్ మాధుర్యం తద్ లాలిత్యం అస్మాన్ ఆనందయతి, అస్మాన్ సుఖయతి, అస్మాత్ జీవనాత్, అస్మాకం జీవనాత్ యే ఖలు కలుషితః భావః తే అపసరంతి దూరీభవంతి, యే ఖలు దివ్యః భావః పవిత్రః భావా విచారః తే అస్మాకం జీవనే ప్రవిశంతి. అతః సంస్కృతం ఖలు జీవన వృక్షస్య మూలం. అస్మాకం యద్ జీవనం వర్తతే, అస్మాకం యః విశాలః భారతదేశః కోటి కోటి జనానాం, యా ఖలు మాతృభూమి పితృభూమి జన్మభూమి వందనీయ భూమి కర్మభూమి పూజనీయ భూమి, తస్యః భూమేః తస్య విశాలవటవృక్షస్య యది కచ్చిత్ కించిత్ మూలం వర్తతే తర్హి సంస్కృతభాషా ఏవ తద్ మూలం. భవంతః జానంతి వృక్షః హరితః స్యాత్, సువిశాలః స్యాత్, సర్వాసు దిక్షు ప్రసృతః స్యాత్, పరం యది తస్య మూలం నష్టం, యది తస్య మూలం సమాప్తం, యది మూలే జలం నాస్తి, తత్ర జీవనం నాస్తి, తర్హి అస్మాకం పశ్యత పశ్యత ఏవ సహ విశాల వృక్షః సమాప్తిం ప్రాప్నోతి. తాదృశి ఏవ దశా అస్మాకం దేశస్య సాంప్రతిక కాలే వర్తతే. అస్మాభి సా సంస్కృత భాషా పరిత్యక్తా, సా సంస్కృతి పరిత్యక్తా, తే జీవనాదర్శః అస్మాకం జీవనాత్ నజానే కుత్ర పలాయితః. ఏతస్మాత్ కారణాత్ వయం ప్రతిదినం సమాచారపత్రేషు యత్ పఠామః, దూరదర్శనే యద్ అవలోకయామః, యత్ర తత్ర సర్వేషాం యా ఖలు చర్చాః ప్రచరంతి, తాసు చర్చాసు వయం యద్ అనుభవామః తద్ మహద్ దుఃఖం జనయతి. అతః మయా పూర్వమేవ ఉక్తం మహాజనో యేన గతః సర్పంత, యది ఏతాదృశేషు సంస్థానేషు అధీయానః ఛాత్రః శోధకార్యం కుర్వాణః విద్వాంసః ఛాత్రా సుయోగ్యః ఛాత్రా కమపి అలౌకికం ఆదర్శం కమపి విశిష్టం జీవనలక్ష్యం నిర్ధార్య తస్మిన్ మార్గే ప్రచలంతి తేన న కేవలం తేషాం న కేవలం తాసాం బాలికానాం అపితు సమాజస్య రాష్ట్రస్యాపి మహాన్ ఉపకారః భవతి. ప్రియ ఛాత్రో ఆప్కో సబ్కో సమజ్ మే ఆ జాయే ఇస్లియే థోడీ సీ బాత్ 2 మినిట్ హిందీ మే కహనా చాతా హూం. आपके इसी संस्थान के संभवतः वो स्नातक थे या और कहीं के होंगे, यहाँ BHL में ED थे, कार्यपालक निदेशक भटनागर साहब इसी रुड़की के रहने वाले थे, हर्षवर्धन भटनागर जी. तो वो इंजीनियरिंग के आप ही जैसे मेधावी छात्र रहे होंगे, तब वो ED के और CMD भी रहे कुछ समय के लिए, और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेम्बर भी रहे BHL के. मेरी उनसे बड़ी मित्रता थी, निकटता थी, अब भी है. तो जब कभी वो अमेरिका इंग्लैंड किसी देश में जाया करते थे, कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी, तो उससे पहले वो मुझे फ़ोन करते थे कि डॉक्टर साहब मैं शिकागो जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ, वहाँ इस विषय पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है,
उसमें मुझे अपना रिसर्च पेपर पढ़ना है, आप इस विषय में कोई वेद का मंत्र, कोई रामायण का श्लोक, कोई गीता का श्लोक यदि जो इससे जुड़ता हुआ हो आप मुझे फैक्स कर दीजिए, मेल कर दीजिए। मैं उनसे हमेशा पूछता कि आप तो इंजीनियरिंग के बहुत बड़े विद्वान हैं, आप साइंस के विद्वान हैं, आप पूरे देश विदेश में प्रतिष्ठित हैं, आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, वहाँ संस्कृत का श्लोक क्या करेगा, वहाँ बेचारी गीता क्या आपका सहयोग करेगी। तो वो कहा करते थे कि देखिए जब मैं अपने विषय में कोई बात कहता हूँ तो मेरी स्थिति उस बड़ी से बड़ी सभा में सबके बराबर होती है। जैसे और विद्वान हैं, कोई अमेरिका से आया है, कोई जापान से आया है, कोई चाइना से आया है, कोई भारत से है, मैं उनके बराबर हो जाता हूँ जब अंग्रेजी में अपने विषय का प्रतिपादन करता हूँ। लेकिन जब उस रिसर्च पेपर में, उस अपने वक्तव्य में एक गीता का श्लोक यदि मैं बीच में कोट कर देता हूँ, या रामायण की कुछ पंक्तियाँ वहाँ कह देता हूँ, या वेद का कोई मंत्र मैं वहाँ उद्धृत कर देता हूँ, तो मेरी स्थिति उन सैकड़ों हजारों लोगों में सबसे ऊपर हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई वेद का मंत्र, संस्कृत भाषा वो भाषा है जो इसको नहीं जानते, जो इससे बिल्कुल दूर हैं, लेकिन वो भी जब इसको सुनते हैं तो उनको आनंद की प्राप्ति होती है। एक संस्मरण सुनाता हूँ, समय बहुत हो रहा है। मैं एक दिन लिंक एक्सप्रेस में कानपुर से हरिद्वार आ रहा था। मैं अपनी बर्थ पर बैठा हुआ था, पढ़ रहा था जो कुछ भी मेरे पास था, और बराबर की बर्थ पर एक बहुत सज्जन, उनके मुखाकृति से लग रहा था कि कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो बैठे हुए थे, वो भी अपने कुछ पढ़ने में लगे हुए थे। हमारा दोनों का कोई परिचय नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। उसी समय बीच में संस्कृत भारती के किसी एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया मोबाइल पर, और वो संस्कृत में बोल रहे थे। मैंने भी उनके साथ संस्कृत में बोलना प्रारंभ किया, और हमारी 5 मिनट तक मोबाइल पर एक दूसरे से संस्कृत में बातचीत होती रही। जब बातचीत समाप्त हो गई तो वो जो सज्जन बराबर में बैठे हुए थे, जिनसे कोई परिचय नहीं था, वो अपनी बर्थ से उठ करके मेरे पास आए। उन्होंने अभिवादन किया और अभिवादन करके कहने लगे, क्या आप संस्कृत में बोल रहे थे? मैंने कहा, संस्कृत में बोल रहा था। क्या संस्कृत में संभाषण किया जा सकता है? क्या संस्कृत में बातचीत हो सकती है? क्या आज भी लोग संस्कृत को जानते हैं? क्या आज भी लोगों के संपर्क की, व्यवहार की भाषा संस्कृत भाषा है? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप प्रत्यक्ष रूप से अभी सुन रहे थे, इसलिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आज भी संस्कृत बोलने वाले हजारों लोग इस देश में हैं, और आज भी ये संपर्क भाषा हो सकती है, और किसी समय में तो एक जुलाहा भी, एक भार ढोने वाला भी, एक अनपढ़ व्यक्ति भी परस्पर संस्कृत में बोलता था, ये हमारा इतिहास पुकार पुकार करके बताता है। तब उन्होंने कहा कि मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करता हूँ, मैंने कई अपने निर्णयों में गीता के श्लोक कोट किए हैं, लेकिन मेरा विश्वास नहीं था कि संस्कृत में संभाषण भी हो सकता है, उसमें बातचीत भी हो सकती है। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि मेरे जीवन का, देखे इलाहाबाद हाई कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश ये कह रहा है कि आज मेरे जीवन का सबसे सुखद, सबसे प्रसन्नता से भरा हुआ दिवस है कि जिस गीता को मैं अब तक पूछता रहा, अब मुझे पता चला कि उस गीता और उस संस्कृत भाषा को बोलने वाले लोग भी इस देश में हैं। और उसके बाद उनसे मेरी इतनी मित्रता हो गई कि हरिद्वार स्टेशन पर उनको जाना था देहरादून, लेकिन जब मैं उतरा तो वो भी उतर करके आए, और बहुत ही विनम्रता के साथ अभिवादन करके उनके आँखों में मैंने प्रेम के आंसुओं को प्रवाहित होते हुए देखा। तो ये संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो मानव को मानव से जोड़ती। अभी प्रेम की बात एक छात्र कह रहे थे, वास्तव में जो पूजा है, जो भक्ति है, परमात्मा से अनुरक्ति है, सारे विश्व को एक बनाने वाली जो दिव्य शक्ति है, वो प्रेम में है, और संस्कृत का साहित्य उस प्रेम से इतना भरा हुआ है, इतना लबालब भरा हुआ है कि आप कहीं भी डुबकी लगाएं, आप कहीं भी गोता लगाएं, वहीं आपको आनंद का झरना फूटता हुआ दिखाई देगा। मैं अधिक न कहता हुआ बहुत ही प्रसन्न हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही हमारे विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल महोदय आए थे, आप जानते हैं डॉक्टर कृष्णकांत पाल, जो विज्ञान के विद्यार्थी विद्वान हैं, जिन्होंने
विज्ञान में ही पीएचडी किया है, आईपीएस हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे। उन्होंने इस बात को कहा जो अभी पंत जी ने आपके सामने बात रखी कि आज युग ठीक है, ये भी क्रम चलना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने संस्कृत संभाषण सीखा, ऐसी कक्षाएं भी चलनी चाहिए, इन पद्यों को कंठस्थ किया जाना चाहिए, इनको गुनगुनाना चाहिए। बड़ी से बड़ी समस्या, आप जब कभी किसी मानसिक संताप से पूरी तरह से ग्रस्त हों, और उस समय जो इस प्रिय छात्र ने जो लिंगाष्टक या इस प्रकार के पद्यों का जो उच्चारण है, वो आपकी सारी पीड़ा को, सारे संत्रास्त को दूर करके और आपको एक अलौकिक आनंद के दुनिया में ले जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये भी ठीक है, लेकिन आज प्रौद्योगिकी का युग है, आज विज्ञान का युग है, आज संचार माध्यमों का इतना उदात्त और दिव्य रूप दुनिया के सामने उपस्थित है, आप उसके छात्र हैं, तो संस्कृत भाषा आपके माध्यम से हम मिलकर, हम 10 संस्कृत के लोग मिलकर के जितना काम नहीं कर सकते, उतना आप में से एक होनहार छात्र भी यदि संकल्प ले ले तो संस्कृत की सेवा कर सकता है। समय आ गया है, इस देश को यदि बचाना है, यदि मानव जीवन को बचाना है, यदि भारत को बचाना है, तो प्रिय छात्रों आप ही बचा सकते हो, और वो तब बचेगा जब आपका विज्ञान, आपकी भौतिकी, आपका ये जो उच्चतम ज्ञान है, ये जब प्राचीन के साथ, आध्यात्मिकता के साथ, संस्कृत के साथ जुड़ेगा, तो दोनों मिलकर के मानवता का कल्याण कर सकेंगे, मानवता के लिए वरदान बन सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और इस प्रकार का ये आयोजन चलता रहे। अभी पंत जी ने आपको बताया नहीं, मई में एक बहुत बड़ा विशाल इस हरिद्वार जनपद का संस्कृत सम्मेलन पंत जी आयोजित करने जा रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, चाहे वो किसी भी धारा के हों, वो सब एकत्रित होंगे, और एक दिन एक ऐसा गहन मंथन होगा, उसका बड़ा दूर तक संदेश जाता है। आप जब कहीं यहाँ से घूमते हुए और संस्कृत के गीत गाते हुए चलेंगे, तो 10 लोग आपकी तरफ देखेंगे, खड़े होकर के सुनेंगे कि क्या गा रहा है, क्या कह रहा है, बड़ा मधुर प्रेम का झरना बह रहा है, बहुत सुंदर संगीत की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ऐसे ही जब हम उस दिन वहाँ पर एकत्रित होंगे, तो एक अच्छा संदेश पूरे देश में जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें भी, मैं जानता हूँ आपका एक एक क्षण बड़ा व्यस्त रहता है, लेकिन अच्छे काम में लगाया हुआ जो समय है, वो समय 10 गुना 100 गुना होकर के आपको लाभ देता है, उतना ही लाभ नहीं देता। मान लीजिए आपने 10 मिनट संस्कृत के पढ़ने में, पढ़ाने में, प्रचार में, प्रसार में लगाए, तो आपको 10 मिनट का ही लाभ नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे होते हैं विषय, आप गणित पढ़ेंगे, 2 और 2 4 ही होते हैं, 4 और 4 8 ही होते हैं, सबको पता है, इसमें 4 और 4 7 नहीं कर सकते, 4 और 4 9 नहीं कर सकते, लेकिन कुछ गणित ऐसे हैं, ईश्वरीय गणित, कि उनका लेखा जोखा, उसका जोड़, उसका गणित भाग हम नहीं कर सकते, कोई दिव्य शक्ति है जो उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब रखती है, और बड़ी ईमानदारी के साथ ब्याज सहित, और ब्याज भी वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा नहीं है, वहाँ रिजर्व बैंक कुछ नहीं कर पाता, उसका रेट बड़ा हाई है, और वो आपको जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि संस्कृत के साथ जुड़े हैं, अब इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि ये प्रेम आपका दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होता चला जाए, सुदृढ़ होता चला जाए, और आप एक बहुत अच्छे इंसान बन करके जीवन में चमके। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भाषण दत्तवान महोदय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए हम पार्षद जो है बहुत धन्यवाद है। जब हम 2012 में पहली बार संस्कृत संभाषण करवाए थे और 14 में करवाए थे, अभी इस बार कर रहे हैं, जब भी संस्कृत के विषय में कोई भी कार्य करते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत अच्छा सहायक करती है, तो हम सब मिलके और एक बार ओम उद्घाटन करके उनको धन्यवाद अर्पित करेंगे। ओम। माय रिक्वेस्ट, प्रोफेसर एस पी सिंह, विभाग अध्यक्ष, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट।
to say a few words for our participants. Manye Sri Agarwal ji, Sri Pant ji, Dangnekar ji, Gauri Shakti ji, aur mere sabhi IIT ke sahyogi gan and priya chhatro. Mahavir ji ne jo abhi baat hum logo ko batai, bahut achhi lagi aur main keh sakta hu ki jab Sanskrit ke koi shlok aapke presentation mein hote hain to value addition to hota hi hai. और ये मैंने कई जगह देखा है, जब भी कहीं कॉन्फ्रेंस में हम लोग जाते हैं, जिनको कुछ थोड़ी सी नॉलेज संस्कृत की होती है तो वो उसको या तो श्लोक शुरू में बोलते हैं या बीच में कहीं उसको दे देते हैं, और वो इतना अच्छा उसका इम्पैक्ट होता है, वो औरों से थोड़ा अलग ही हो जाता है. ये बात बिल्कुल सही है. और आप क्योंकि सब ने मुझे ये नहीं पता है कितनी जानकारी आपको संस्कृत की हुई है 10 दिन में, लेकिन ये मानता हूँ कि 10 दिन के कोर्स में काफ़ी कुछ आप लोगों ने जाना होगा, और आप इसको अपने आगे ज्ञान को और आगे बढ़ाएंगे. और जैसे बहुत सारा जो लिटरेचर संस्कृत में है, उस लिटरेचर से आप अपने जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग वाले जो इश्यूज हैं, और जैसे वेदों में बहुत सारा ज्ञान है, उसको निकाल के आप आगे बढ़ेंगे. मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, बधाई हैं. और इस कोर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए गौरी शेट्टी जी का को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. मैं थोड़ा सा, क्योंकि संस्कृत मुझे नहीं आती है, मैं अपने आप को एडमिट करना चाहूँगा ये कि 8वीं तक कुछ पढ़ा था मैंने संस्कृत के बारे में. एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और वो अभी भी मुझे याद है, संस्कृत में एक बार अगर कोई चीज़ याद होगी आपके, वो कभी भूल ही नहीं जाती. आज भी जो 8वीं में मैंने कुछ श्लोक पढ़े थे, चाहे वो सूर्य नमस्कार का हो, पूजा जो हम लोग, आज भी मेरे पूरी तरीके से याद है. तो ये खूबी है संस्कृत की, अगर एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया, वो और चीज़ें हम भूल जाते हैं. अभी इकोनॉमिक्स में का स्टूडेंट हूँ मैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, बार बार मुझे याद करना पड़ता है, बार बार जाननी पड़ती है, बार बार भूल जाते हैं हम लोग. लेकिन संस्कृत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी भाषा है जिसको एक बार अगर आपकी जानकारी होगी तो आप उसको भूल देंगे. और संस्कृत का आज जो अगर स्टेटस देखें हम, एंशेंट टाइम में जो स्टेटस संस्कृत का, आज हमने इंग्लिश का बना दिया है. जब संस्कृत में लोग बात करते थे, हमें लगता था कि भाई ये विद्वान है, और विद्वान होने की परिभाषा ही यही थी कि जो संस्कृत में अपनी बात कह सके, बोल सके, बता सके, वो विद्वान होते थे. और हम लोग किताबों में पढ़ते रहे कि उसमें मतलब काफ़ी डिस्कशन होता था संस्कृत में, और जिसको जितना ज़्यादा आता था वही विद्वान माना जाता. आज दुर्भाग्य से कि ऐसे संस्कृत जानने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, और इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. आज क्या हो रहा है कि जो इंग्लिश जानता है, भले ही उसको कंटेंट आता है नहीं आता है, अगर वो फटाफट इंग्लिश में बोल लेता है, वो उसको आप विद्वान समझते हैं. तो उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारी जो अपनी भाषा है, अगर उसको हम अच्छी तरीके से जान सके और आगे अपने विषय को और अच्छे से समझ सके, यही मेरी शुभकामना आप सब के लिए है. और आशा करता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम आगे चलते रहेंगे, और IIT के सभी रिसर्च स्कॉलर और छात्रों को इसका लाभ मिलता रहेगा. मेरी सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद. धन्यवाद सर्वजने नमो नमः. ये मैंने अभी सीखा है. सब जब लोग आके बोल रहे थे तो मैंने भी कोशिश की, मैं भी आपको उसी भाषा में कहूँ. माननीय श्री महावीर जी प्रसाद जी अग्रवाल महोदय, माननीय SP सिंह साहब, श्री अनिल गोरी जी, हमारे श्री पंत साहब, अन्य जो बहुत ही विद्वान अपने अपने विषयों में प्रख्यात रहे, सभी सीनियर शिक्षकगण, मेरे फैकल्टी कलीग्स और प्रिय छात्रों, जैसे कि हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसी हिसाब से मैंने भी 8वीं तक जो है वो संस्कृत को पढ़ा. और आपको ये जान के खुशी होगी
कि मुझे उसमें जो है वो डिस्टिंक्शन मिला था बोर्ड एग्जाम में. तो मैं आप सब छात्रों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ. तो मैं भी कुछ दो स्तुति के बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूँ. तो सर आपके अनुमति जी, जी बिल्कुल बिल्कुल. सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये. श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये. जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डम 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 निनानद व्यडर्मयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन निलिंप निर्जरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी धग 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 जल ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंदर स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी कचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनी. तो मैं बस अपनी शुभकामनाएं देता हूँ. अनिल जी से निवेदन करता हूँ कि जब भी मेरे से जो भी बन सकेगा, ताकि मैं तो खुद भी ये क्लासेस अटेंड करना चाहता था, परंतु कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जो डिपार्टमेंट के छात्र हैं जो शाम को 6 बजे बाद ही मिलने आते हैं, दिन भर उनकी कक्षाएं रहती हैं, तो मेरा पहला कर्तव्य यह है कि मैं स्वयं बढ़ने के पहले मैं उनको अटेंड करूँ और उनके साथ बैठूँ और उन लोगों के लिए समय जो है, क्योंकि उनकी क्लासेस रहती है तो 6 बजे बाद ही होता है, वो अपने प्लेसमेंट के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए 6:15 बजे बाद ही आते हैं. तो उसी कारण से जो है मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया, क्षमा से. और कल की बात है कि कल रात को मैं और रजत अग्रवाल जी जो हैं करीब हमने 11:52 रात को जो है वो PhD स्कॉलर्स का जो है वो इंटरव्यू कॉल का ईमेल किया और 12:30 और 12:45 जो है हम लोग डिपार्टमेंट से गए. तो चूंकि अब समय तो उसी समय में मैनेज करना है, तो इस कारण से मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया. पर मैं भी यह मानता हूँ, जैसे हमारे शर्मा साहब ने जो है वो बहुत ही अच्छा समिति ने जो है वो व्यवस्था कर रखी है, मैं और आपके जो साथी हैं विक्की, वो रोज़ रात को जो है वो 8 से, क्योंकि वो यहाँ पे 8 बजे तक क्लास में रहते थे, तो फिर वो 8:15 से लेके हम 9 बजे तक, है ना, 8 से 45 मिनट, मतलब हम लोग जो हैं ये जो है वो स्तुति करते हैं यहाँ पे शिव मंदिर में. शायद आप लोगों ने उस समय कोई आया होगा तो देखा भी होगा कि विक्की और हम लोग जो है वो बिना ना गए, यदि मैं रुड़की में हूँ तो मैं ज़रूर 45 मिनट जो है ये स्तुति करने की कोशिश करता हूँ और भगवान को जो है वो प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ, ताकि हम सब लोगों का जो है वो भला. तो अंत में मैं यही कहूँगा, हम सभी को शिव की शक्ति, मीरा की भक्ति, गणेश की सिद्धि, चाणक्य की बुद्धि, शारदा का ज्ञान, कर्ण का दान, राम की मर्यादा और कुबेर की संपदा प्राप्त हो. धन्यवाद. प्रधानमंत्री जहाँ पे पूरा दुनिया सब लोग नेदरलैंड्स परमिशन मिलते हैं, तो जो भी पोल्यूशन के बारे में और जितना भी प्रोटेक्शन करना है उसके बारे में 3-4 दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं. तो आपके दिन जो है वो रेजोल्यूशन कुछ पास करते हैं. तो आपका दिन जो है इंदिरा गांधी ने जो है जैसे उन्होंने कहा जब भी कुछ संस्कृत श्लोक ऐड करते हैं तो वैल्यू एडिशन हो जाता है. उन्होंने पृथ्वी सूक्तम से कुछ सूक्त जो है कह दिया है, आपको कंसिस्टेंट कुछ लिख के दिया है, वो शायद संस्कृत अनुरागी थे. तो वो जो लिखा है इंदिरा गांधी ने जो है सबके सामने वो कह दिया है, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्वी, ये पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका संतान हूँ.
तो ऐसे कुछ श्लोक पढ़ने के बाद उसके अंग्रेजी मीनिंग बताने के बाद सब लोग कहने लगे ये बात पहले दिन क्यों नहीं कहा हमें, इसका जो मीनिंग है ऑलरेडी अगर भारतीय विज्ञान में ऑलरेडी है पहले पता होता तो तीन चार दिन आपको इतना आइडिया तो होने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो नरेंद्र ने कहा कि ऐसे विषय हमारे पास जो है बहुत ज्यादा है, उन्हें देखिए जैसे प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है, पहले हम खुद जाने तो उसके लिए हम सब लोग मिलकर संस्कृत क्लब के माध्यम से जितना हो सकता है उतना प्रयास करेंगे और हमारे पास नहीं रखेंगे शांति होकर सब जगह पे हम इसको स्प्रेड करेंगे। तो आज के कार्यक्रम का आखिरी विषय है, जैसे मैंने कहा किसी ने धर्मपाल का नाम सुना है क्या, बहुत अच्छे गांधीयन स्कॉलर रहा। 18th सेंचुरी में भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसा था उसके ऊपर बहुत स्कॉलरली पुस्तक लिखा है, इट वॉज नॉट एसोसिएटेड विद एनी आइडियोलॉजी एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड गांधीयन तक उनका जीवन रहा है। और एक पुस्तक लिखा है ब्यूटिफुल ट्री, जब समय मिलेगा पढ़िए स्पेशली आईआईटी स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि 1800 के पहले जो भी सिस्टम था समाज में वो सब कम्युनिटी बेसिक सपोर्ट थी, आजकल जो भी रहता है हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वी वर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स इन कम्युनिटी बेसिक नो सिस्टम्स, उसको कोलोनियल रूल में उसको खत्म किया गया है। तो वो जो सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटल जो सिस्टम है संस्कृत भारत ने अपनाया है, जो भी प्रकाश पंत जी पहले 3 दिन आए हैं उनको हमने एक भी नहीं दिया है 1 रुपये भी धन के रूप में, और हम जब सीखने के लिए आया है जैसे क्लियरली कहा गया है नोटिस में नो प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट संस्कृत भारती का जितने भी कार्यक्रम है बहुत सारे इसमें फुल टाइम वॉलंटियर्स भी हैं, धन का तो आवश्यकता है तो धन का आवश्यकता कभी डोनेशन स्वीकार नहीं करती है। तो समाज निधि के रूप में आखिरी दिन जितना भी छात्र जो है मिलकर देते हैं उसी के आधार पर भारत में और विश्व में कार्य चलता है, तो उसको मन में रख के हमारे शक्ति के अनुसार जितना हो सकता है उतना आज समाज हिंदी के रूप में धन का समर्पण करेंगे जैसे पहले अनाउंसमेंट किया है।